पूरे नदी में ये सबसे बेस्ट सीन लगता है। We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. तो यार आज व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, अभी लगभग बज रहे हैं 3:30 और आज व्लॉग स्टार्ट करेगी माँ। माँ बोलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग, गुड आफ्टर नून। हाँ बस। तो यार अभी लंच वंच हो गया और आए थे अपन अभी प्लॉट पे, तो ये वाला दरवाजा, ये 3 दरवाजे थे टोटल और इसमें से एक ये भर गया है। आज इस रूम में लाइट लग गया, ये वाला भी दरवाजा भर गया है, भर रहे हैं इससे ये दरवाजा निकला हुआ। फाइनली यार ये सीढ़ी में भी लाइट लग गया, मतलब इतना अच्छा लग रहा है सब जगह लाइट देख देख के। और ये आगे इस वाले रूम में भी आज लाइट लग गया, सब जगह लाइट लग गया, वाह वाह वाह। तो अभी छत का पूरा स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो गया है। ये दीवार जो टूटने वाला था ये पूरा टूट गया, यहाँ से भी खाली हो गया और ये भी टूट रहा है धीरे धीरे, ये पूरा टूट जाएगा ये वाला सरफेस। लास्ट दिन जो ये वाला भी रूम बना हुआ था छत पे वो भी पूरा तहस नहस हो गया आज। ऑल राइट यार, तो अभी हम आए हैं ये नदी के पास, ये आप नदी देख सकते हैं, बहुत सही सीन हो रहा है। ये एक छोटा सा मंदिर है और ये हमारी घर के सबकी मान्यता है ये सत्संग भवन में, और ये उनके रहने का बाबा जी का आश्रम बोल सकते हैं, बाबा जी का आश्रम वो भी हो गया। हम मास्क पहने थे खाली, बस ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसीलिए खोल लिए। यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, बहुत सही लगेगा यार, क्रिकेट खेलने का बहुत मन करता है। ये जुगाड़ देख रहे हो, ये बहुत सही जुगाड़ होता है, गीता से विकेट। और ये भैया हमारे अब नए सब्सक्राइबर बनने जा रहे हैं। अरे भैया भैया आ जाइए भैया, उधर फील्डिंग में छूट जाएगा। भैया को हमने कन्विंस कर लिया, भैया भी सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को बस। I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. ये था बराकर रिवर और ये आता है वहाँ से, आई थिंक माइथन डैम से, यहाँ पे आके लगभग मतलब कुछ कुछ दिन में आते रहते हैं हम, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, कितना रिलैक्सिंग फील रहता है ना यहाँ बैठ के। मतलब तो जो भी यहाँ बराकर में रहता है मेरे आसपास या जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो अगर टाइम मिले तो यहाँ आके बैठना और शांत से बैठना बहुत अच्छा लगता है। हम सोचे थोड़ा 1-on-1 टॉक कर ले इसीलिए अकेले बैठे हुए, और मास्क हटा लिए इसीलिए खाली बस व्लॉग करने के लिए, नहीं तो ऐसे मास्क पहने हुए रहते हैं। तो बस, तो अभी कोविड जब नहीं था तब गर्मी में अपन, हम और मेरे कुछ भाई लोग जो कज़न वज़न हैं सब आते थे नदी के उस साइड वहाँ पे नहाने के लिए, और प्लस होली टाइम्स में भी बहुत मज़ा आ जाता था। ये वाला सीढ़ी और यहाँ पे अपन नहाते थे, ये अंकल जी लोग नहा रहे बट इसीलिए नहीं दिखा रहे, और ये वाले सीढ़ी से आते थे अपन, और यहाँ पे
बिफोर कोविड टाइम्स अपन ने बहुत ज़्यादा मज़े किए यहाँ पे, बहुत सही लगता है और रिलैक्सिंग भी। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें भी सबसे मुश्किल काम है वापस ऊपर चढ़ना। बहुत बड़ा जगह और थकान भी इतना लगता है ना, बट एनीवेज मज़ा बहुत आता है यहाँ पे। तो हम रिकमेंड करेंगे अगर कोई बराकर या उसके आसपास से कहीं पे भी देख रहे हैं या आपके घर के पास कहीं पे भी नदी है या कुछ है, तो आके बस थोड़ा देर के लिए शांत से बैठिएगा, बहुत सूदिंग फील आता है। तो ये वो सीढ़ी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो कोविड टाइम्स में जब नहीं था तब अपन आते थे, हम और मेरे कुछ कज़न भाई लोग सब और अंकल वंकल सब। तो ये है अपने सामने शमशान घाट, जस्ट नदी के सामने ही है, कि जलाएं और डायरेक्ट आ जाएं बहाने के लिए। इस पे ताला लगा हुआ है इसीलिए अभी अंदर तो जा नहीं सकते। तो बस ये फर्स्ट घाट, ये सेकंड घाट और ये थर्ड घाट, यहाँ सिटिंग एरिया था, बस यही है। हाँ, यहीं आए हुए पहले भी हमारी फूल दादी जो थी, अजी की मम्मी जो थी, वो जब एक्सपायर की थी तब का बात है। मतलब मन तो कर रहा है एकदम अब के तब जाके एकदम डुबकी मार ले, लेकिन अभी कोविड टाइम्स है तो नहीं, मना कर रहे, घर से भी सब मना कर रहे, इसीलिए नहीं जाने पड़ेगा। तो बस यही है घाट और ये पूरा नदी जो हम बोले माइथन डैम से वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ से